व्हाट्स अप गाइस, तो आज आप वापस आ चुके हैं हाइपर बॉय गेमिंग चैनल पे। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो मैं ऑफलाइन गया था, थोड़ा सा खेला, तो फिर मैंने एक सैंडल जो भी है वो क्रोकोडाइल का नाम सैंड स्लैश सैंडल ऐसी कुछ है उसको मैंने कैप्चर कर लिया था और वो लेवल 8 का है अभी तो। लेकिन मैं बाद में उसको और एक और पोकेमोन हम अभी लेंगे, एक्चुअली दो और पोकेमोन लेंगे। और मैंने डिसाइड किया कि मैं पोचनिया को पीसी में डाल दूँगा और सैंडल को रखूँगा। सैंडल एक तो ग्राउंड टाइप भी है और यू नो डार्क टाइप भी है, इसीलिए उसको रखूँगा और कैकनिया को। सैंडल हमारा परमानेंट मेंबर होगा, लेकिन कैकनिया यू नो परमानेंट नहीं है एक्चुअल में। हमें अगर कोई अच्छा पोकेमोन मिला ग्रास टाइप तो हम कैकनिया को उससे रिप्लेस कर लेंगे। और इसके साथ जो हमारी बैटल हुई थी वो बहुत खतरनाक है, देखते जाओ भाई, बस कितना सताया इसने हमें पैरालाइज करके। और हम हील तो यूज़ करने वाले नहीं थे क्योंकि इसकी एक चीज़ गंदी थी कि ये अपना हर मूव थंडर वेव रखता था। तो क्या मतलब, इससे बेटर मैंने सोचा कि बाइट ही यूज़ करता हूँ। लेकिन बकवास किस्मत, मैं हमेशा हर बार कांट मूव बिकॉज ही इज पैरालाइज आ जाता था। फिर आखिरी बार आया और बाइट उसमें यूज़ हुआ और ये गया, वरना मैं इतना थक गया था इसके कारण। और इसी एपिसोड में एक पोकेमोन हमारा इवॉल्व होगा। अभी तुरंत जाके कमेंट डाउन करो, गैस करो मींस कि कौन इवॉल्व हो सकता है। और ये क्या बोलते हैं, मेरे को एक बात समझ नहीं आई, ये एक जियोटूड एक ग्राउंड और रॉक टाइप पोकेमोन है और फ्लाइंग टाइप रॉक और ग्राउंड टाइप्स के लिए बहुत इफेक्टिव रहता है, तो गस्ट इस पर कुछ क्यों नहीं हो रहा भाई। माने कि ना इतना गुस्सा आता है कभी कभार पोकेमोन वाले लोग के पे ऊपर, नॉट वेरी इफेक्टिव। देखो, और एक दो रोलेट से हम गए, बढ़िया। हम सीधा एम्बर यूज करेंगे अगर कुछ नहीं हुआ तो, देखते क्या होता है। अब एक स्क्रैच यूज करेंगे हम, प्रोबेबली एक स्क्रैच से शायद तक काम हो जाना चाहिए। और गाइस, अगर आपको क्या बोलते हैं ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा लग गया तो फिर मुझे दोष मत देना, मैं फ्लो में कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा है, 20 मिनट का होने वाला है। आई एम सॉरी फॉर दैट। और अगर आप ये वीडियो अभी तक के देख रहे हो तो फिर प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना प्लीज़। मैं थोड़ा यहाँ ये ट्रेनर से भिड़ने वाला पार्ट है तो इसको थोड़ा यू नो डबल स्पीड में कर देता हूँ और एक बढ़िया सा यू नो गाना लगा देता हूँ। थोड़ा फीलिंग आंदा रख ले ध्यान वे, करिए नक तू एक एहसान वे, ए उम्मीद कदे साथ नहीं छटेगा, जान बन के तू जान नहीं कटेगा।
बन के तू जान नहीं कटे मासूमियत लुट जे गई हसा उठ जू तेरे तो तू यारी तालावी चेने भूगी तेरे तो सांब भी नहीं होना दिल टुटिया मेरे तो तू यारी तालावी चेने भूगी तेरे तो जिन्ना तू करेगा तेथों हद के करूंगी जिथे कोई नहीं खड़ूगा तेरे नाल मैं खड़ूंगी ओ जिन्ना तू करेगा तेथों हद के करूंगी जिथे कोई नहीं खड़ूगा तेरे नाल मैं खड़ूंगी तावी जे शक्या तेनू पुछ ला रब मेरे तो तू यारी तालावी जेने भूगी तेरे तो सांब भी नहीं होना दिल टुटिया मेरे तो तू यारी तारामी जेने भूगी तेरे तो जे तू छड़ना भी होया इनकार नहीं करूंगी यह गल वक्री के फिर प्यार नहीं करूंगी निक छड़ना भी होया इनकार नहीं करूंगी यह गल वक्री के फिर प्यार नहीं करूंगी साफ सिद्धा दस दई जे मन भर गया मेरे तो तू यारी तालावी जेने भूगी तेरे तो सांब भी तो अब हम आ चुके हैं अनराज सिटी पे और मेरे ख्याल से पोकेमोन सेंटर का ये वे तो नहीं है, यहाँ रूट 4 है तो वो भी पोकेमोन सेंटर का नहीं है, मेरे ख्याल से यहाँ होना चाहिए। नहीं तो पोकेमोन सेंटर आखिर है कहाँ पर? हमें ट्रेपेंच मिला है तो हम इसे सीधा प्राइम बॉल से कैप्चर कर लेते हैं। भाई आजा प्राइम बॉल से कैच कर रहा हूँ, थोड़ी तो इज्जत कर कि यार टांगती। तो भाई गाने का नाम बताना कमेंट सेक्शन में। सुनो अगर आप लोग चाहते हो तो मैं टॉप 5 या टॉप 10 GBA रोम हैक्स ऑफ द ईयर का एक वीडियो बना सकता हूँ। हाँ प्लीज कमेंट डाउन करना जो आपको चाहिए और जो मैं कर सकता हूँ वो सब मैं करूँगा जो जो आप कमेंट डाउन करोगे। बस निंटेंडो स्विच के बारे में मत पूछना क्योंकि वो फूट गया, मेरा टूट गया वो निंटेंडो स्विच, तो उससे रिकॉर्डिंग भी नहीं हो सकता और ना ही अब मैं खेल सकता हूँ। तो अब मैं इन्हें लेवल अप कर चुका हूँ। सैंडल लेवल 19 का है, टेक्निया लेवल 18 का है और हमारा पिजी लेवल 17 में इवॉल्व होके पिजियॉट बन गया जो कि सबसे अच्छी बात है यार। तो अब हम ऐसे बस थोड़ा घूम रहे देख रहे क्या क्या है मिल सकता है। ऑब्वियसली हमको यहाँ तो जाना नहीं है क्योंकि हम ऐसी जगह पे नहीं जाते जहाँ बहुत मिस्ट्रीज हो, हम सीधा जाते एलेक्स। अच्छा ये शायद तक एलेक्स है,
एलेक्स के बारे में मेरे को बहुत एकदम क्रीपी थिंग लगा था कि आपने मेरा फर्स्ट एपिसोड देखा होगा, जब एलेक्स और मैं बात कर रहे थे तब उसने आखिरी की लाइन बोला सीयूलेट ओके, और फिर जब मैंने उसका फेस देखा ना तो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे उसको भूत आ गया हो। पहले हम इससे बात कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। मेरे ख्याल से उसको स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, मेरे ख्याल से, आपका नहीं पता लेकिन मेरा थ्योरी तो यही बोलता है। शैन श्रू हम बिल्कुल नहीं देंगे, सीधा रन करते हैं। तो चलो हम एलेक्स से मिलके आते हैं, देखते ओके। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, ये पहला घर है जो हमसे खुला, पहला घर। और इस एपिसोड के बाद एक माइनक्राफ्ट स्काई ब्लॉग का एपिसोड 2 आएगा, उसको भी लाइक कमेंट और शेयर कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अभी मेरे पास 8 सब्सक्राइबर है और हमारा गोल होना चाहिए 10 सब्सक्राइबर का। ओह या डिड जोतेन अपग्रेड योर पॉकेटडेक्स टू विद नॉट अ स्माइल एंड शोड हिम द पॉकेटडेक्स। या वांट हैव अ बेटर यू शोक योर हेड नो जस्ट नाउ रिमेंबरिंग रेंजन्स मैसेज। That's okay, we can do it. Maybe hang out? नहीं, हमको hang out बिल्कुल नहीं करना। You pointed to his town map and Alex put in and out. Okay, you want us to meet up somewhere? You pointed at the location close to the center of the map. Akrom City, huh? Alright, I'll race to here. Speaking of race, don't think I forgot about it. I'm more ready to rematch Zap now than I was heading to Archin City. Smell ya later. What? Wrong character? Fine. See ya later. Bhai, mere ko yahi ekdam creepy lagta hai. Isko split personality disorder hai. Aap iske usko dekh sakte the character ko kaise uska chehra ho gaya tha. ब्राउन सी हम बिल्कुल नहीं लेंगे, तो ये सबसे घटिया पॉकेट। भाई बहुत डर लग गया था यार मेरे को अभी। तो मैं इस अभी ट्रेनिंग एक बैटल सेशन होगा, मैं उसको बहुत मींस फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। Thank you.
तो गाइस मैंने ज़्यादा एडिटिंग तो नहीं की है और मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला था मेरे को एडिटिंग करने के लिए। तो फिर हम यहाँ पहले हील कर लेते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।